ऑल राइट गाइस, तो आज हम टीयर डाउन करने वाले हैं आई बॉल म्यूजी बूम का। तो अगर आप इसकी अनबॉक्सिंग एंड डिटेल रिव्यू देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में आप चेक कर सकते हैं एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो अगर आप भी इसके अंदर का राज जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। तो इसको ओपन करने के लिए सबसे पहले इसके स्पीकर ग्रिल को हमें निकालना होगा। तो स्पीकर ग्रिल हमने निकाल दी है एंड जैसा आप देख सकते हैं ये प्लास्टिक बिल्ड है एंड प्लास्टिक के ऊपर यहाँ पे फैब्रिक यूज़ किया गया है। तो अब इसका राइट एंड लेफ्ट पैनल हम बाहर निकाल लेते हैं। तो इनको निकालने के लिए यहाँ पे दो स्क्रू दिए गए हैं, एक स्क्रू यहाँ पे फ्रंट पे है एंड एक स्क्रू बैक साइड पे है। तो दोनों तरफ के स्क्रू हमने ओपन कर दिए हैं, इसके बाद ये निकल जाएगा इस तरीके से। तो अब इसका टॉप पैनल हम बाहर निकाल लेते हैं। तो उसको निकालने के लिए यहाँ पे 8 स्क्रू दिए गए हैं। तो ऊपर के सभी स्क्रू हमने ओपन कर दिए हैं, इसके बाद ये बाहर निकल जाएगा। तो अब इसको ओपन करने के लिए इसके दोनों बेस रेडिएटर हमें निकालने होंगे। तो दोनों बेस रेडिएटर यहाँ पे पेस्टेड हैं। तो दोनों बेस रेडिएटर हमने यहाँ पे निकाल दिए हैं एंड अब इसके बॉटम पार्ट की रबर पैडिंग को हम निकाल लेते हैं। तो ये काफ़ी आसानी से निकल जाती है। इसके बाद इसको ओपन करने के लिए इसके फ्रंट पार्ट पे 8 स्क्रू दिए गए हैं एंड अब इसको ओपन करने के लिए इसके दोनों क्लिप भी हमें निकालने होंगे। तो इनको निकालने के लिए यहाँ पर दो दो स्क्रू दिए गए हैं एंड इसके कंट्रोल बोर्ड के ऊपर अब 4 स्क्रू दिए गए हैं। इन चारों को भी हम ओपन कर लेते हैं। तो कंट्रोल बोर्ड के स्क्रू हमने ओपन कर दिए हैं एंड इसके बाद ये स्पीकर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके सभी कनेक्शंस दिए गए हैं। सबसे पहले सभी कनेक्शंस को हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले इसका आईओ कनेक्शन हम निकाल लेते हैं। ये निकाल दिया हमने बैटरी कनेक्शन। तो ये रहा इसका आईओ कंपार्टमेंट एंड यहाँ पे इसकी बैटरी है। तो बैटरी को निकालने के लिए यहाँ पे दो स्क्रू दिए गए हैं। तो ये रही इसकी 5000 mAh की बैटरी एंड ये 4-cell बैटरी है। तो ये रहे इसके दोनों सब वूफर एंड ये 15W 4 ohm के सब वूफर हैं। तो अब इसकी मदरबोर्ड को हम निकाल लेते हैं। तो उसको निकालने के लिए यहाँ पे 4 स्क्रू दिए गए हैं। एंड यहाँ पे इसका माइक्रोफोन पेस्ट किया गया है। ऑल राइट गाइज, तो मुझे आपको स्पीकर के अंदर का एक ओवरव्यू देना था एंड वो मैं आपको दे चुका हूँ। अब इसको फटाफट से हम क्लोज कर देते हैं एंड प्ले करके चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी मदरबोर्ड को मैं वापस यहाँ पे लगा देता हूँ। तो इसको कम्प्लीटली क्लोज करने से पहले एक बार हम ऑन करके चेक कर लेते हैं। पावर ऑन, ब्लूटूथ मोड। तो अगर आप इसका नेकेड बेस टेस्ट देखना चाहते हैं, इसके स्पीकर्स एंड बेस रेडिएटर को वाइब्रेट होता देखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं।